लेडीज एंड लेडाज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। क्या आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं? टट्टी खुल के नहीं आ रही है, या ग्रेजुएशन के बाद जो तुम्हें ऐश मिलने वाली थी वो अभी तक नहीं मिली है? तो भाइयों और उनकी बहनों, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं अपना कंटेंट चेंज करने लगा हूं और मैं बनने लगा हूं मोटिवेशनल स्पीकर। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे कंटेंट से काफी इजी है मोटिवेशन देना। करना मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को तैयार शहर होकर बैठना है। मेरे 85 साल के ताऊजी जो मुझे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के साथ फूलों की फोटो भेजते हैं, उसके नीचे एक कोट लिखी होती है, उस कोट को पढ़ना है और पीछे एक छपड़ी सा गाना लगा देना, दैट्स इट, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। क्यूटी जी चिप्स, वेरी वेरी एक्सपेंसिव चिप्स, टू योर लोटस एंड वन प्रिंगल चिप्स। मैंने जब से मैडम को रिप्लाई किया ना, उसके बाद मेरे को एक ही तरह की फील आ रही है। I'm a rider, provider, bring the heat girl, I'm a bring the fire, I'm a new gangster river. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कुलदीप सिंघानिया की। हाँ, इतना अमीर सरनेम सुनने के बाद तुम्हें यही लग रहा होगा किसी बिजनेस टाइकून की बात कर रहा हूँ। नहीं, सिर्फ सरनेम ही इसका अमीरों वाला है, हरकतें इसकी वो छपरी वालों ही हैं। हाँ मेरी जान, बस ये थोड़ा तैयार शहर होके हाँ मेरी जान करता था पीछे गाना लगा के, दैट्स इट। तो आज हम इनकी वीडियो देखेंगे। तो मिस्टर कुलदीप, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू टुडेज यूथ जिनका ब्रेकअप हुआ है? Don't let it affect your profession. Just keep working. Divorce हुआ है? Just keep working. दोस्तों ने धोखा दिया है? Just keep working. Parents की डेथ हो गई है? Just keep working. No matter how tough the circumstances are, don't let it affect your job or profession. Just keep working. ओ हाँ, जमोला के नशा करने वाले आदमी क्या बोली जा रहा है? तिगानिया साहब का कहने का मतलब कि जिंदगी में कोई भी तूफान आ जाए, जस्ट कीप वर्किंग। तुम्हारी टांगे कोई तोड़ जाए, कीप वर्किंग। बवासीर हो जाए, कीप वर्किंग। कोई मौत से जूझ रहा हो, कीप वर्किंग। 9 घंटे से सुसुर होकर रखा, कीप वर्किंग। भाई तेरी बंदी किसी के साथ भाग गई, कीप वर्किंग। भाई तेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, कीप वर्किंग। तेरी बहन जुत्ती मेरी कहे साले का खोपड़ी तोड़। इतना काम लेंटर डालने के? पेरेंट्स की डेथ हो जाए, कीप वर्किंग। बंदी भागी, कीप वर्किंग। डिवोर्स हो गया, कीप वर्किंग। देखो कुलदीप भैया, आप हो गए छपरी, सब मानते हैं, लेकिन ऑडियंस छपरी नहीं है। जिंदगी में सुकून ही नहीं है तो काम करके क्या करना है? भाई डायनासोर वापस आ गए, कीप वर्किंग। भाई तेरी वाइफ चीट कर रही है, कीप वर्किंग। मान दे रिंगलाइट मुंह पे मान दे, मैं को तुम्हारे बाप को पसंद नहीं आई। आप लोगों को मोटिवेट करते हो, इंस्पायरिंग बातें करते हो। तो मान लो आपको अगर आजकल के यूथ को कोई एक हेल्थ टिप देनी है तो वो क्या होगी? हेल्थ टिप? 70 ग्राम की जीभ को कभी भी 70 किलो के शरीर पे हावी मत होने दे। अबे यार, यही चीज तो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद थी, नहीं तो बाकी जगह तो ऐसे ऐसे करके मेरे को छेड़ती थी। देखो भैया की बात में लॉजिक बने चाहे ना बने, भैया ने पोस्ट करनी करनी, भैया ने अपने व्हाट्सएप वाले जोक्स को साउंड लगा के प्रेजेंट करना ही करना है। ये तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि कितने लोग इसको फॉलो करते हैं कितने नहीं। क्या लिखा है? Nobody boys after every 5 minutes with their hair। हाँ कर। अच्छा बेटा, इसको जुए बोलते हैं, फैशन नहीं। मम्मी को बोलो, वो छोटी कंगी आती है ना पतली पतली वाली, उससे जोर जोर से खींचे, सारी जुए बाहर निकल जाएंगी। फैशन मार रहा है फिर से, वही गलती यार। सॉरी सर। क्या हुआ सर, क्यों हंस रहे हो? अभी तू एक बार गलती करके सॉरी बोले समझ में भी आता है, तू एक ही गलती 20 बार कर चुका है, हर बार आके सर सॉरी बोल जाता है। सॉरी सर। तेरे को पता है सॉरी के 3 हिस्से होते हैं? ए, इसके पास कितनी कहानी है, ये हर वीडियो में ये बोल देता है, कुछ समझ आया? चल तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। चाचा चौधरी का सपुत्र है कुपोषित साबू, कितनी कहानियां लेके आएगा, हर वीडियो में किसी ना किसी को कहानी बता रहा है। और हाँ यार, तुमको बताना भूल गया, मैं ना ओमेगल कर रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरे को एक बंदा मिला जो कि सेम कुलदीप सिंघानिया जैसा दिख रहा है, सेम। वो 30-40 सेकंड की क्लिप है, वो भी तुमको दिखाता हूँ। कितना डरावना, कैसा तेरा आहट जैसा मुंह, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आथू हंसदे चेहरियां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं हुंदी। शीशा देख के बोलना है क्या? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हंस मत, तो मेरे को उल्टी आ जाएगी। घुटने जैसा तेरा मुंह, मेरे को बहुत पसंद नहीं आया। स्टार्ट करो। पापा जैसा दिख रहा होगा ना? गजब बेइज्जती है। अच्छी तरह हाथ धो के पूरी मैल अपने शरीर से निकाल के फिर मेरा नाम टाइप करेगा। गांड फटे तो फटे, नबाबी न फटे। कभी आए हो जलंधर, पंजाब आए हो? बिल्कुल सर। अब मत आना। बिल्कुल। पहला आई एम सॉरी, दूसरा इट्स माय फॉल्ट। ओ चुप हो जा, चुप। कर्सिव राइटिंग मुंह की ठीक कर, पहले चुप हो जा। शुक्र है सॉरी पे इसने ये भाषण नहीं दिया कि कोई कांच का ग्लास ले उसको नीचे फोड़ दे, टूट गया अब सॉरी बोल उसको। जुड़ा तो नहीं? नहीं तो दिल भी कैसे जुड़ेगा? तिगानिया साहब, ये तो तुम्हारी अलग लेवल की मिस यूनिवर्स टाइप की तुम्हारी बकचोदी है, लेकिन अगर वो वाली भी मार देते ना, मेरे मुंह से 10 मिनट के लिए आंथू ही निकलना था। तुझे मालूम है इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड के पापा, ये लोग 7 भाई बहन है, असली जादूगर उसके पापा ही हुए। काम धंधा नहीं, सिर्फ यही मजा आया। 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 महीने बचे हैं 2023 आने में।
कब सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेकर? कुलदीप जी, जितनी तुम्हारी निकल गई और जितने आने वाली है, दोनों को मिला के जितना भी लॉजिक बनता, टोटल पे आथू। कब सीरियस होना है लाइफ में? और कितना सीरियस हो जाए बंदा? ऑक्सीजन मास्क मुंह पे पहन के घुमा करे, ठीक है? मोटिवेशन दो, कैलेंडर के बनी जा रहा है। 1, 2, 3, 4 महीने रह गए। चड्ढा समझाओ इसे। ये पता है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी? पानी, 100 साल पुरानी विस्की, लिक्विड गोल्ड, तो फिर क्या है? एक इंसान के आंसू। ओए होए, आंसू जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है, बाकी मुंह तो है, और 99% फीलिंग्स। ओए होए, 7 करोड़। इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। तेरी बहन कॉकरोच। क्यों डरा रहा है? मर्दों के ढिंचक पूजा, इसको उसको ध्यान से देख लो, बालों का ही फर्क है बस। ये बात सिंपल तरीके से भी बोल सकता था कि फीलिंग्स हर्ट मत किया करो, प्लीज हर्ट मत किया करो। आगे स्वाद। तू गया नहीं अभी तक उसे कॉपी देने? हाँ दे आऊंगा। अरे लेकिन तूने कहा था ना कि सुबह सुबह दे आऊंगा, कल उस बेचारे का एग्जाम है, तेरे भरोसे बैठा है वो। हाँ दे देंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ तुझे। फिर कहानी है दादी अम्मा, कितनी कहानी है तुम्हारे पास? एक बार एक चौकीदार एक महाराजा के महल के बाहर चौकीदारी कर रहा होता है, सालों से कर रहा होता है, पतलों से कपड़ों में, ठंड के टाइम पे भी छुटुटा छुटुटा। समझ गया, ये डायनासोर जमाने का जोक मारेगा, डायनासोर जमाने की ये कहानी बताएगा कि हाँ वो पतले कपड़ों में सारी उम्र बैठा रहा, तो जब राजा को पता लगा, राजा आके कहता है कि यार मैं तेरे को मोटे कपड़े भेजता हूँ, तो वो उम्मीद में ही मर जाता है और लिख के जाता है कि यार मैं सारी उम्र पतले कपड़ों में था, लेकिन तुमने आके जो उम्मीद दे दी ना उसके बाद में मर गया। एक तो ये कहानी बनाने वाले के ऊपर आथू और दूसरा इस बंदे पे। पहले तो मेरे को ये बात बताओ, अगर उसको पता था वो मरने वाला है, वो डॉक्टर वैद्य इनके पास क्यों नहीं गया? चिट्ठी लिखने का टाइम था उसके पास, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गया कि यार मेरे को ठंड लग रही है, मैं पतले कपड़ों में ऐसे ऐसे रात को खड़ा हूं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं मरने लगा। नहीं, चिट्ठी लिख के राजा को दे देगा। और ये खुद का बच्चा ये आगे उसको बता रहा है कि हां ऐसे ऐसे उम्मीद मत दे, ये मत दे। टी-रेक्स डायनासोर था ना, टी-रेक्स, उसकी दादी ने उसको सुनाया होगा। मैं इसी पतले कपड़ों में चौकीदारी कर रहा हूं सालों से, राजा कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए मोटे कपड़े भिजवाता हूं। अंदर जाता है, लोगों से बातचीत में वो बात भूल जाता है, अगले दिन सुबह पता चलता है। चुप हो जा सातवीं फेर। सिंघानिया साहब इतनी उच्च लेवल की बकचोदी पेलते हैं ना कि इनको यही नहीं पता होता इन्होंने पुरानी वीडियो में क्या बोला, नई में क्या बोला। एक साइड तो बोलते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, की वर्किंग की वर्किंग की वर्किंग, टट्टी की जगह तुम्हारी यहाँ से यहाँ वाली भी हो जाए ना, की वर्किंग। और दूसरी तरफ बोलते हैं बाई चांस मैं मर जाता हूँ, तो उसके बाद जो आके मेरे घर वालों से मिलोगे, मेरे को देखने आओगे, इससे अच्छा जीते जी मेरे से मिल लो। जस्ट कीप वर्किंग, जस्ट कीप वर्किंग, जस्ट कीप वर्किंग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। लेकिन मेरे जीते जी उनमें से कोई भी मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आया। मेरा कहना यही है कि अरे भाई जीते जी मिल लो ना। तब कीप वर्किंग किधर गया? एक पास काम छड़ के तेनू मिला ना हो, दूसरे पास से कोई मर जाए तो काम करी जाओ। इंसानी घोड़े कोई लॉजिक बन रहा है तेरी बात का? जुत्ती मेरी लब किथे क्या है यार, बार-बार ज्ञान मत दिया करो, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हाँ मैं देख लूंगा अपना। एक तो ये घर वाले बिना, तूने केकड़ा समुद्र की कहानी सुनी है? नहीं सुननी तेरी कहानियां, नहीं सुननी तेरी कहानियां तेरी। मेरे को लगता है चावला बुक स्टोर से ना कट्ठी 500-700 की कहानियों की किताबें ले आता है, उनको पहले पढ़ता है, फिर वीडियोस में बोलता है। इस बंदे के पास हर चीज का सलूशन है, हर सिचुएशन से रिलेटेड इनके पास एक कहानी पहले ही तैयार होती है। कुलदीप जी इतना मोटिवेट कर देते कि मुर्दा भी कॉफिन से बाहर आ जाएगा। हाँ भाई एंड में वाली ट्यून क्यों नहीं लगाई? आजकल हर दूसरा बंदा ज्ञान पे ली जा रहा है यार, उसको होता है कि उसके अलावा नॉलेज है ही नहीं किसी को, सब तो चूतिए बैठे हैं। ये लाइन कैसे आ गई यार इसमें? अरे वो ले जाते वक्त गिर गया था। गिर गया था? अबे अरे भैया छोटी सी तो लाइन है। बात छोटी सी लाइन की नहीं है यार, बात केयर की है। मैंने जब तेरे को फोन दिया था परफेक्ट कंडीशन में दिया था, कोई लाइन नहीं थी, कोई स्क्रैच नहीं था। अब तू दे रहा है मेरे को 4 दिन बाद यूज करके, कह रहे भैया लाइन आ गई, थोड़ी सी बात है गिर गया था। बात केयर की है यार, आज मैं तेरा कोई सामान लूं, 2 दिन बाद तुझे दूं ऐसा तोड़ फोड़ के या लाइन देके, तेरे को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, तू अपनी चीज की केयर कर। इतना स्टैमिना है तेरे में बोलने का, एक ही सांस में पूरा माय फादर का ऐसे पड़ जाता है। ले भाई तू ले, तू ले, तू 200 रुपया ले, जड़ी तेरी स्क्रीन चेंज होनी ना करा ला, इतनी बकचोदी ना मार। पूरे 60 सेकंड इसने खराब किए ये दिखाने में। अपनी चीज की केयर करो, मैंने तेरे को दी ठीक दी थी, तूने खराब कर दी, तेरी मैं खराब कर दूं कैसे लगेगा? मार लूंगा। ये टेलर ने कैसा काम किया है? ये भी प्रॉपर नहीं है, सिलाई भी प्रॉपर नहीं है, पैंट भी छोटी है, इतनी गलती है टेलर से? 2 मिनट के लिए शूट रोक सकते हैं? आओ एक बार बता तेरे को इसका सलूशन। 2 मिनट शूट कर रोक के उसको 15 मिनट की लॉन्ग ड्राइव पे ले गया। वहाँ भी परसों एक एग्जीबिशन लगी थी, एक पेंटर आया था अपनी खूब सारी पेंटिंग्स लेके। मजे की बात यह कि उसने एग्जीबिशन के बाहर लिख दिया था कि जिस जिसको भी मेरी पेंटिंग्स में कोई भी कमी दिखे वो प्लीज पेन से निशान कर दे। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग्स को आके देखता है तो पता चलता है कि लोगों ने हर जगह निशान ही निशान करे थे, ये भी खराब है ये भी खराब है। पेंटर बड़ा दुखी होता है, लेकिन अगले दिन फिर अपनी पेंटिंग्स लेके आता है, लेकिन इस बार कहता है कि प्लीज मेरी पेंटिंग्स में निशान ना करें, उन गलतियों को सुधार ही दें जो आपको खराब लगती है। शाम को जब वो पेंटिंग्स आके देखता है तो एक भी गलती नहीं दिखती लोगों को, एक भी निशान नहीं दिखता। कुछ समझा क्या? या तो आप किसी को उनकी गलतियां गिनाओ मत, और अगर आपको गिनाने का ज्यादा ही शौक है तो पहले
उस काबिल बनो। हैप्पी उम्मा के नुनू लगेगा क्या कर रहा है, क्या बोल गया? तेरा कहने का मतलब ये है कि उस बंदे ने बोला कि टेलर ने पता नहीं कैसे ये सूट सिल दिया, ठीक है? तो तू कह रहा है कि पहले खुद उस काबिल बनो फिर अगले को बोलो। मतलब अगला बंदा अपना काम धंधा छोड़ के, जस्ट वर्किंग छोड़ के पहले दर्जी बन जाए, फिर कंप्लेंट करे कि तेरा सूट कैसा है। अगर एक डॉक्टर से गलती हो जाए तो पेशेंट पहले डॉक्टरी कंप्लीट करे फिर उस डॉक्टर को बोले। कोई सेंस है इस बात की? तोबा भाई, थोड़ी सी 1.5-2 inch की प्रैक्टिकल बात कर ले, बाकी रहने दे। तेरा लॉजिक, तेरे को ही मुबारक भाई, तेरे को ही मुबारक। तो बस भाई, आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वो बटन के साथ। मोटिवेशनल स्पीच कर, चाहे बैटल कर लो, जो मर्जी कर लो, सब्सक्राइब कर दो बस, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ठीक है? मिलते।